हेलो एवरीवन, मेरा नाम है प्रियंका और आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। मेरे चैनल को इतना प्यार देने के लिए और मेरे काम को इतना सपोर्ट करने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक्स। आपसे मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है। मैं आऊँ और कोई अतरंगी आइडिया लेकर ना आऊँ, ऐसा कभी हो सकता है क्या? तो हर बार की तरह इस बार भी मैं किसी वेस्ट मटेरियल या आपके घर में पाए जाने वाले सिंपल चीज़ों को थोड़ा अपना तड़का लगाकर उसे एक नया रूप देने वाली हूँ। तो इस बार कौन सा वेस्ट मटेरियल यूज़ करने वाली हूँ जो आपके घर में हमेशा कहीं ना कहीं किसी कोने में पड़ा हुआ मिलेगा? वो है प्लास्टिक बॉटल। अब प्लास्टिक बॉटल से लोग क्या बनाते हैं? जनरली उसका वास बना देते हैं या तो फिर कोई ऑर्गेनाइज़र बना देते हैं, लेकिन मैं थोड़ा डिफरेंट करना चाहती हूँ। अब इस डिफरेंट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? सोचना पड़ेगा कि इसका और क्या बना सकती हूँ। तो मैंने सोच निकाला है कि इसका मैं ईयरिंग्स बनाऊँगी, वो भी ऐसा जो सारे आउटफिट में चले। तो चलो फिर बनाते हैं बॉटल से ईयरिंग्स, लेट्स गो। तो यहाँ मैंने ले लिया है एक प्लास्टिक का बॉटल। प्लास्टिक के बॉटल में जो ये रिंग वाला पोर्शन होता है, मैं उससे आज ईयरिंग्स बनाने वाली हूँ, है ना कुछ इंटरेस्टिंग? तो इसको मैंने निकाल लिया है और इसके एंड्स को अब मैं जोड़ दूँगी। जोड़ने के लिए मैंने हॉट ग्लू गन से पहले उसको चिपका लिया और साथ में उसको और सिक्योर करने के लिए मैंने सेलो टेप भी लगा दिया है। आप अपना भी दिमाग लगा करके कुछ भी ऐसे तरीके से इसको बस जोड़ देना है एंड्स को। बाकी को भी हम लोग इसी तरीके से एंड्स को जोड़ते चले जाएंगे। उसके अंदर सबको इंसर्ट करते जाना है सारे रिंग्स को और सारे एंड्स को जोड़ देंगे। अब मैंने ले लिया है एक रेशम का धागा। अब थोड़ा सा इसको फंकी लुक भी तो देना है। रेशम का धागा मुझे 10-15 रुपए में तो मिल गया पूरा रील। अगर आपके पास रेशम का धागा नहीं अवेलेबल हो तो कोई बात नहीं, आप कोई भी कलर के धागे को यूज़ कर सकते हैं, कोई भी धागा, वुल, कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने यहाँ रेशम के धागे को बॉटल के चारों ओर लपेटा है। अब ज़रूरी नहीं है कि आप बॉटल के चारों ओर ही लपेटो, आप कोई भी कार्डबोर्ड या कुछ भी ले सकते हो। मैंने एक एंड को कट कर लिया और इसे फेविकॉल से चिपका लिया। इससे हमारा रैपिंग प्रोसेस थोड़ा आसान हो जाता है। मैं अपने सारे रिंग्स को इस कलरफुल रेशम के धागे से रैप कर दूँगी ताकि इसको एक कलरफुल इम्पैक्ट मिल सके। मैंने यहाँ येलो कलर के रेशम के धागे को यूज़ किया है। आप जो भी कलर चाहें अपने आउटफिट के हिसाब से कॉन्ट्रास्ट बनाकर आप वही कलर यूज़ करें। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जो मैं कलर यूज़ कर रही हूँ आपको भी वही करना है। मैं जानती हूँ कि मार्केट से खरीद सकते हैं हम लोग ईयरिंग्स, लेकिन अपने हाथों से बनाया हुआ कस्टमाइज ईयरिंग्स की तो बात ही कुछ और होती है। आप अपने हाथों से बनाकर जब अपने ईयरिंग्स पहनोगे, आपको जो खुशी मिलेगी वो मार्केट वाले से कैसे मिल जाएगी। फिर यहाँ पर मैंने उसके एंड को फेविकॉल से चिपका दिया है और बाकी के रिंग्स को भी हम लोग अलग अलग कलरफुल धागे से उसको रैप कर लेंगे। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि अलग कलरफुल होना चाहिए। मैंने मल्टी कलर का इसलिए बनाया है ताकि यह सारे आउटफिट्स पे वो मैच कर जाए। ये सारे आउटफिट्स पे आप इसको पहन सकते हैं। कोई पर्टिकुलर कलर यूज़ करूँगी तो सिर्फ पर्टिकुलर आउटफिट पर ही अच्छे लगेंगे, तो इससे अच्छा मैं मल्टी कलर ही बना लेती हूँ। अब मैंने ले लिया है डायमंड का जो चेन आता है, मुझे नहीं मालूम उसे क्या कहते हैं, लेकिन डायमंड चेन ही शायद कहते हैं। ये मुझे 10 रुपये मीटर में मिल जाता है, जो कि बहुत लंबा होता है मीटर, उतना ज़रूरत नहीं पड़ेगा आपको। तो इसको मैंने सारे रिंग के चारों ओर फेविकॉल से चिपका दिया है। इससे थोड़ा सा ज्वेलरी लुक आ जाता है, नहीं तो ईयरिंग की तरह लगेगा नहीं। अब मैं यहाँ पर एक जंप रिंग लगा दूंगी, फिर अटैच करूंगी इसमें हुक ताकि ये एक इयररिंग का रूप ले ले। और तैयार है हमारा इयररिंग जो कि हमने बनाया बॉटल से। ये वाला इयररिंग भी आपको बहुत पसंद आने वाला है, आई एम डैम श्योर अबाउट इट। तो चलो वो भी देखते हैं कैसे बनाया है मैंने। तो मैंने एक शेप कट कर लिया है जो कि पेपर का है। अब इसे मैं एक बॉटल के बॉडी पोर्शन पर ट्रेस कर लेती हूँ। प्लास्टिक को कट कर लिया। और उस पर इस पेपर के कटिंग को रखकर स्केच पेन से ट्रेस कर लिया। प्लास्टिक पतला होता है इसलिए इसे कैंची से भी आराम से आप इसको कट कर सकते हैं। ट्रस्ट में जो ईयरिंग्स बनकर तैयार होने वाला है
कोई भी नहीं कह सकता है कि उसको आपने अपने हाथों से, वो भी प्लास्टिक बॉटल से बनाया है। फिर बीच में एक कट मारना है और उससे सीजर्स को इंसर्ट करके आप अंदर के पोर्शन को कट कर लीजिए। अब बारी आती है इसे एक एथनिक लुक देने की, जिसके लिए फिर से रेशम के धागे को मैंने यूज़ किया। आप जो चाहे वो कलर यूज़ कीजिए, वुल यूज़ कीजिए, धागा यूज़ कीजिए, इट्स योर चॉइस। और इसको मैं पूरी तरह से रैप कर दूंगी। मैंने रेड कलर का यूज़ किया है, आप अपने आउटफिट के कलर को यूज़ कीजिए। अब इसे ज्वेलरी लुक देने के लिए मैं सेम डायमंड वाला जो चेन है उसको मैं इसके चारों ओर लगा रही हूँ। मैंने यहाँ फेविकॉल का यूज़ किया है जो कि इजीली अवेलेबल भी होता है और बहुत अच्छे से अपना काम भी करता है। मैंने दोनों एंड्स पे चेन लगा दिया है। फिर अब मोती, मोती के दोनों एंड्स को सिक्योर करने के लिए जो प्रोसेस मैंने दिखाया है आप उसे यूज़ कर सकते हैं। फिर लगाएंगे एक जंप रिंग और एक हुक और इसे अच्छे से सिक्योर कर देना है। फिर सेंटर में डालेंगे हम एक मोती और तैयार है हमारा चांद वाली। कितना क्यूट है। होप आपको दोनों इयररिंग्स बहुत पसंद आए होंगे। तो ऐसे ही अमेजिंग आइडियाज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ और लाइक ज़रूर कर देना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय।